हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले एमबीए के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहता है। और आज देखने वाले कि एमबीए आखिर होता क्या है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप कॉलेजेस कौन से होते हैं, इसका स्कोप कैसा है। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि एमबीए के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। चलिए देखते हैं कि आखिर होता क्या है एमबीए। देखिए, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जहाँ पे जो आपको बिजनेस के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, जो मैनेजमेंट की नॉलेज होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और अभी के लिए बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है आपको, जो एमबीए अगर आप करते हो तो उसके बाद जो आपका पेमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग डबल भी हो जाता है। और इसीलिए जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है अभी एमबीए की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और अगर आपको एमबीए करना, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, इसके लिए जो आप ग्रेजुएशन अगर आपके पास है किसी भी स्ट्रीम में, अगर आप बीए हो या कॉमर्स में हो या इंजीनियरिंग की जो डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एमबीए में। प्लस आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ सकता है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस एंट्रेंस एग्जाम, तो आप एमबीए कर सकते हो। और इसकी जो एलिजिबिलिटी फीस होती है, सॉरी फीस जो होती है लगभग 1 लाख से लेके 3.5 लाख तक की होती है एमबीए की फी। 1 लाख से लेके 3.5 लाख पर ईयर, हाँ पर ईयर की फीस होती है। और उसके बाद जो टॉप कॉलेजेस है एमबीए के लिए, तो उसमें आते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, प्रेस्टिज बिजनेस स्कूल कोलकाता, साइरम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज चेन्नई, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी पुणे। ये कुछ कॉलेजेस है जो टॉप में आते हैं अगर आपको एमबीए करना है तो। और उसका स्कोप देखेंगे एमबीए का तो बहुत है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी अभी जो है एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो हाइक आता है उसके पैकेज में तो वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चे जो है एमबीए करते हैं, क्योंकि पैकेज बहुत बढ़ते है। इसीलिए जो स्कोप है एमबीए का तो बहुत ज़्यादा है, और आपके ड्रीम कंपनीज में भी जॉब कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो एमबीए के बाद जो है आपको लगभग 9 लाख से लेके 26 लाख तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है पर ईयर का। और एमबीए के रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।